तीन तारीख में हमने भी एक सेमिनार करवाया था यहाँ चंडीगढ़ में इसी विषय पर, तो ये मेरे साथी हैं, ये इंग्लिश में बता देंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाकी मैं धर्म की बात इतनी, मैं धर्म का आदमी हूँ, मैं इस घटना को धर्म के एंगल से ही देखूंगा, देखता हूँ। ठीक है, फलस्तीन के लोगों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन इस्लाम की जो देश है, जो उनके पावर भी है, इस्लाम देशों के जो लोग, उनका भी एक इम्तहान है, ये सोच लेना चाहिए उन्हें। अंदर खाने जो लोग जहाँ जुड़े हुए हैं, सबको पता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जब तक खुल के वो इस घटना की निंदा नहीं करेंगे, अगर इस्लाम के सारे देश भी खुल के एक हो जाएं, तो जंग तो उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये खून जो है ना, ये बच्चों का, ये जाया नहीं जाएगा, इससे इस्लाम निकलेगा, इस्लाम पैदा होगा। अब जब इस्लाम पैदा होगा तो युग बदल जाएगा, धर्म का ही राज होगा, ये मुझे पता है। इस बात को मैं कह सकता हूं दावे से, जब जब भी जुल्म हुए हैं तो धर्म निकला है, उसमें से पैदा हुआ है, जमीन में से। हमारे सिखों में भी जुल्म हुए थे, धर्म मजबूत हुआ था, उस धर्म ने राज भी किया था, राज करने के वक्त धर्म कमजोर हो गया हमारा और गिर गया नीचे। ऐसा इस्लाम के साथ हुआ है, जिन लोगों पे शक्ति है उनमें धर्म कमजोर है, मैं मुंह पे कहता हूं सबके, धर्म पे आ जाओ, सारे मसले का हल हो जाएगा। यानी कुल दुनिया का, ये जो इस्लाम का धर्म है, ये करीम आई है इधर से, यहूदी ईसाइयों में से, ये जो सिख धर्म है ये आई है करीम इधर से, दोनों करीम एक हैं, ये दो नहीं है धर्म, धर्म एक ही है। मैं 2030 एजेंडे का फर्स्ट स्पीकर हूँ, मैंने साबित किया है कि ये जो हक सच का धर्म है, किसी का भी हो, आज मुसलमान इस पे कायम नहीं है। जिस रोज मुसलमान उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दुनिया अपने आप कर लेगी। कमजोरी हमारी है, हमें अंदर झांकना चाहिए। अगर ये मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं माफी भी मांगता हूँ, लेकिन है बात सच, मुझे कहनी पड़ी थी। धन्यवाद।